ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में उल्टा सीधा खाने वाले लोग बंद न कर दिए हों। हम लोग 7-9 दिन बढ़िया रहते हैं कि नहीं रहते हैं? कितना हो बुरा परिवार हो, उस परिवार में उल्टा सीधा तो कोई नहीं खाएगा महाराज। और आप लोगों से निवेदन करेंगे, आप जितनी दिन कथा हो रही है, मेरा पहला दिन ही निवेदन है, नशा पानी पीने खाने वाले लोग भी थोड़ा 5-7-10 दिन, जो मौसम है ना, इतना दिन तो अपने शरीर को वर्जित रखो आप। हम लोगों को वहां जाने के बाद बड़ा जवाब देना पड़ेगा ना, यहां से मरने के बाद तुरंत जवाब देना होगा, और मरने का तरीका भी बताए हैं ना। अभी वीरेंद्र बाबा के मुंह पर माइक्रोफोन लगा है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरी कथा हो पाएगी कि नहीं, ना हो सकता है कि अभी मेरा आवाज बंद हो जाए। हम चाहे जितना रुपया खजाना कमा लें, जितना धन कमा लें, जितनी संपत्ति कमा लें, ये कुछ भी अपने साथ में जाने वाला नहीं है। जाएगा क्या? जो आप करने जा रहे हुए ही जाएगा। कहीं नहीं लिखा गया है कि बेटा नाम सत्य है, रुपया नाम सत्य है, खजाना नाम सत्य है, दुकान नाम सत्य है, खेती बारी सत्य है, गहना बिखो सत्य है, कहीं ना ही लिखल बा सास पतोह सत्य है। नहीं, ये बताया गया है कि राम नाम सत्य, एक चीज को बताया गया है राम नाम। भगवान शंकर जी कहे हैं कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है। आइए पहले अपने वाणी को पवित्र करें हम लोग जय शब्द से। कस के जय बोलिएगा, ये मालूम हो जाए कथा के जितने भी हमारे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं, ये कथा परसिया भंडारी में चल रहा है, देवरिया जिला है, सोनू घाट के बगल में कथा हो रही है। और ये कथा आपके परिवार में, ये वीरेंद्र बाबा का तो परिचय आप लोगों से बताना नहीं है, ये हमारी कथा आपके घर घर में, गांव गांव में, जिनके पास मोबाइल है ये प्रवचन तुरंत जा रहा है। आइए थोड़ा कस के जय बोलिएगा आप लोग, ये मालूम हो जाए कि कथा की कार्यक्रम प्रारंभ हो चुकी है। प्रेम से बोल दी वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाई जय में कटौती ना हो, पहले कस के जय बोलल जाओ। एक बात और जान ली पहले रोरा, जहां भी रोरा जाए कोनो धर्म स्थली पर तो जय बोलल जाला। दुर्गा मैया की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, हनुमान जी की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो। हम लोग जय शब्द जो है, जय जय जो शब्द है अक्षर, ये जय लक्ष्मी का नाम है। पहले गौर से सुनना, जो कथा आपके वहां हो चुकी है, कथा हमारी हो नहीं है। 7 दिन कथा कहने के बाद गांव बदल ना जाए, लोग बदल ना जाए, समाज बदल ना जाए, तो ये कथा करने कराने से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा पंडाल कहे लिए बनेगा, इतना बड़ा साउंड माइक कहे लगेगा? अरे गांव के लोगों का कुछ बुराई ना हटे, संस्कार में परिवर्तन न हो, हम लोग चरित्रवान न बने, तो ये कथा करने कराने से कोई मतलब नहीं है। पहले वीरेंद्र का नाम जहां आप पाएंगे ना, तो पहले संस्कार। संस्कार, गरीब डरता है धनवान से, और धनवान डरते हैं बलवान से, और तीनों डरते हैं चरित्रवान से। अगर चरित्र बढ़िया है तो आप कथा में बैठ करके अपनी प्रेम से भगवान की कथा निवेदन हम करेंगे कि सुनने का प्रयास करो। जय लक्ष्मी का नाम है, जिकरा घर में लक्ष्मी के कृपा हो गल बा, उकरा घर में दरिद्र के कृपा ना होई। जिकरी घरे लक्ष्मी आ गल बड़ी ना, वहां दरिद्र नहीं आएगा। आ जिनके घर में दरिद्र बसा है, उनके घर में लक्ष्मी जल्दी जाएंगी नहीं। जय लक्ष्मी का नाम है, थोड़ा कस के बोले कि लक्ष्मी की कृपा आपके भी परिवार में हो जाए। यहाँ सब लोग राजे थोड़न है, सब लोग गरीब है, दुखिया है, गरीब है, अनेकों प्रकार का दर्द बीमारी लेकर बैठे हैं, तो थोड़ा कस के जय बोले, ये मालूम हो जाए कि भोजपुरी कथा सम्राट पंडित वीरेंद्र तिवारी जी महाराज की माध्यम से कथा परसिया भंडारी में चल रही है। आज प्रथम दिन की कथा होने के लिए जा रही है। जब मन करे पहिरो तब निकाल लो। अरे महाराज बुरा काम, 1 महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, एक बोतल दारू पी लेता तो पावर कोने में जा दे बा, दूध में कि दारू में? नहीं बोलोगे?
नरुआ में तीनिए घंटा नचाई ओकरा बाद शांति, दूधवा चौबीसों घंटा नचाएगा। किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना ना तो बड़ा पापड़ बेलोगे तो इंगेज होगा। आ चोर बदमाश बनाओ बताओ, सिक्सर थमा दा कह दा सोनू चौराहा पर, सोनू घाट दूजन के ठोक दे, बपचक मच जाई फलानक लड़का बदमाश हो गई। पांच नदिया दही ले लो आ देवरिया से नोहर धो के बेचत है, पर चल आव भाग जौन के तकदीर फूटल हो दही कीनी, कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिये नहीं क्या, कोनो कोई बसाता कोनो ना कीनी है। आ 500 बोतल दारू लेके धाने में बैठ तो एकर गाहक बाण के ना है जो परसिया में तो केहू पियते ना हो है। संत लोग हो सब वीरेंद्र बबाइल बने 7 दिन में देखा का होला है जो, ये जो देखा का होला शुरू होके जाता कथा ना। हम ही कहलिए कि सब जने हाथ उठाई उबारे, बरियारे उठाइए ऊपर, सब लोग उठा ले, ताली बजो बरियारे। दू मिनट हमनी के भगवान के नाम जपल जा, जी हमनी के शरीर बनवले बा, मुंह दे के भेजले बा, हाथ दे के भेजले बा, हाथ गोड़ दोनों टनाटन बा, चलल जाता, बोलल जाता, बतियावल जाता, हमनी के बुद्धि बा, दिमाग बा, परमात्मा बड़ा बनौले बानी जता देह मिलल बा। उ नहीं बनौले बा जौन माई के पेटो में विकलांग पैदा भइल बा टंगरी खींचता, उ नहीं खै बनौले जौन माई के पेटवे में आन्हर पैदा भइल, उ नहीं बनौले बा कि माई के हाथों में बेटा के पोलियो मरले बा। बनौले बानी जा हमनी का हाथ गोड़ पैर आंख सब भगवान परमात्मा ने दिया है, हम लोग बड़े अच्छे हैं। सब लोग एक बार और हाथ उठा लें, बजाओ ताली बेरिया रे। आई आज कथा जौन चले जाता बड़ा प्रेम से सुने, पहला दिन है आप लोगों से बहुत कुछ कहना है, और जितने हमारे परसिया भंडारी नहीं बाहर के भी लोग इस हॉर्न का आवाज सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे जितना व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं ना, मृत लोक में आने के बाद सबसे जरूरी भगवान की कथा है। इस धरती पर मनुष्य का जीवन पाने के बाद सबसे जरूरी भगवान की कथा है, और कथा हमारे परिवार में, आपके परिवार में कोई कथा नहीं है, हम लोग की कोई कथा नहीं होती है, आपके परिवार में कोई कथा नहीं है, कथा तो केवल भगवान की होती है। हम लोग के घर में केवल जथा है, बेटा कैसा है, भाई कैसा है, माई कैसन बा, पतोह कैसन बा, सास कैसन बा, भाई भाई में कितना प्रेम है, पुत्र पिता में कितना प्रेम है, हमनी घरे नौटंकी दूसरे बा। धर्म से सब लोग जुड़े हैं, नवरातन सबके घर लोग व्रत हैं, लेकिन एक भी पैसा कोई संस्कार नहीं है, न बोलने का तरीका है, न बैठने का तरीका है, न चलने का तरीका है, पिता का सम्मान कैसे किया जाए, माता का सम्मान कैसे किया जाए, भाई से सम्मान से कैसे जिया जाए, अपने में सास पतो हम लोग कितने प्रेम से रहे, ये सब कोई जानता नहीं है। और जवनी परिवार में ही जान जल जाई तो महाराज तब तो चानिए है भगवान, स्वर्ग यही है, नर्क नहीं है। बहुत लोग कहला कि बाबा उ जो गैला के बाद नरक बा ना, यही स्वर्ग नरक है। ए इन बच्चों को थोड़ा डांटिएगा, ये बच्चे जो आगे बैठे हैं, अब बच्चा कोई बोलेगा नहीं हमको 3 घंटा बोलने दो भाई, 3 घंटा बोलने दो। यहां जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं थोड़ा समझिएगा मेरी बात को, इराउर बेटा जौन पैदा कैले बनी असली है कि नकली, वीरेंद्र बाबा बोल तड़े नकली, जौनी मर्द से बियाह राउर भइल बा असली है कि नकली, नकली, जौनी औरत से राउर शादी भइल बा असली है कि नकली, नकली, जौन मामा मामी चाचा काकी काका इबाड़े अम्मा पापा ये लोग असली है कि नकली, सारा समाज नकली है, हाई खेत जौन धान रोपाइल बा असली है कि नकली, नकली है, ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है असली है कि नकली, नकली, ये जो मकान बनवाए हो 2 मंजिला 3 मंजिला ये असली है कि नकली, नकली। अब ध्यान से आखिरी बात सुनो,
ये जितने चीजों का नाम मैंने लिया, आपके साथ कोई जाएगा कुछ हो। बेटा हो, औरत हो, भाई हो, चाचा हो, चाची हो, ये घर हो, पेड़ हो, खेत हो, चाहे जितना भी व्यवस्था बना लो, कोई साथ जाएगा, जाने वाला है। और एक बात ईमानदारी से बोलना, भगवान असली है कि नकली? नहीं बोलोगे? अरे भगवानों को नकली कह न दो, परमात्मा भी नकली है जी, है? कभी छोड़ेंगे आपको? तो जो नहीं छोड़ता है उनकी बात आप सुनने जा रहे हो ना, हैं? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधे जन। यहाँ जितने लोग हम लोग आए हैं, जाना है लेकिन ऐसा कर्म करके जाओ कि जाने के बाद फिर मनुष्य का जीवन मिले। मानस में कहीं ऐसी चौपाई नहीं लिखी गई है कि बड़े भाग गधा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा, चाहे बड़े भाग कुत्ता तन पावा, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य का जीवन बड़ा भाग्य से मिला है। आइए हम सभी लोग बड़ा प्रेम से, नवरात्र का पर्व चल रहा है, आज दूसरा दिन नवरात्र है। नवरात्रि में माता जी का दरबार है और माता जी की कथा देखिए, रामचरितमानस में पहले माता जी की ही कथा है। ये मानस की पोथी जो है ना, पहले माता जी की ही कथा है। किस घर में बरकत होगा और किस घर में नुकसान होगा, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। पंडाल में बैठना जरूरी नहीं है, कथा में तो हमारे महाराज बहुत ज्यादा लोग बैठते हैं, लेकिन सुधरने के लिए आओ कि हमारे शरीर की बुराई समाप्त हो जाए। पूजा केकरा घर नहीं होता, लेकिन तबो देखा तनी बीमारी चढ़ल आवता, नंबर दूसरे लागत आया ही, दादा कैसे बचल जाई, के तर रह जाई। कारण क्या है कि असली काम आप नहीं करते हो। नहीं, असली काम अगर हो जाए तब तो सुधरने का तरीका वीरेंद्र बाबा तो सब बता देंगे। आज पहले दिन की कथा होने जा रही है और बड़ा प्रेम से कथा को समझने का प्रयास करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। आइए माता जी की दो लाइन की भजन, दुर्गा माई के, देवी माई के रौरा, यहां तो बगल में ही माई का स्थान, भाई कौन जगह बा, अहिलवार बा है ने, तो कहे अहिलवार को हतन, हम हाथ देखौली है कि माई का स्थान कौन बा, लाहियो पर माई का स्थान हल्का थोड़ो न है, अहिलवार तो स्थान दिव्य स्थान है माता जी के दरबार में। कथा वीरेंद्र बाबा ऐसा नहीं कि आपके, हमारा भी पहले देवरिया जिला था, अब तो कुशीनगर हो गया है, तो रहने वाले तो आपके ही जिला के हम हैं और आपके घर के हम, कोई कथा विद्वान बहुत बड़का कोई व्यास नहीं है, हल्का फुल्का कुछ बोल लेते हैं जो मेरे शब्द को आप लोग बड़ा प्रेम से सुनते हैं। एक जगह कथा कहे गई और नौवा दिन आवे लग दे, पंडित जी कहें बाबा गड़िया रोक, तो गाड़ी हमारे खड़ा हो गई, कहले नौ दिन कथा कहली हम, हम जान नहीं पौनी कि राम राक्षस रहे कि रावण। हम कहनी हे बलगवा काना बुझल, आ तो वीरेंद्र बाबा राम राक्षस रहे कि रावण, हम कहनी हे बाबू न राम राक्षस रहे न रावण, राक्षस रहनी हम कि तोहरी ऐसा राक्षस की यहाँ नौ दिन कथा कहली। परसिया भंडारी के लोग के हमारे प्रणाम बा, पहले अपने दिमाग को आप एकदम ऐसा करके कथा को श्रवण करो। आप माई के दिन दू गो बड़ा जगता मनाओ जला, कौन दिन हो, कौन दिन आज, कौन दिन हो, शुक्रवार, एगो दिन और जोना के नाम सोमार हो, है माई के दिन मनाओ जला के ना। अब बड़ा टाइम पर ये कथा लगा है और बड़ा विधिवत प्रवचन को शुरू होने जा रहा है, दो लाइन की पहले भजन हो जाए। हाँ, अरे माई हो लाल, बोलो दुर्गा महारानी की जय। अरे मैया लाल चुनर बीचे निखरेलू चेहरा चमकेला सुकावा सोमार, हे माई हो लाल, माई हो लाल चुनर बीच निखरल चेहरा
मारी माई दुर्गा कहवलू महिमा बतोहरो महान हो। दुर्गम के मारी माई दुर्गा कहवलू महिमा बतोहरो महान। बोल दी महिषासुर मर्दनी की जय। दुर्गम के मारी माई दुर्गा कहवलू महिमा बा तोहरो महान। मैया सुकवा माई हो सुकवा सोमार दिनवा हो केला पूजनवा मैया बा लीला अपरम पार। हे माई हो लाल धन के धान देलू कोढ़ियन के काया महिमा बतोहरो अपरम पार। निर्धन के धान देलू कोढ़ियन के काया महिमा बतोहरो अपरम पार। बोल दी दुर्गा महारानी की निर्धन के धान देलू कोढ़ियन के काया महिमा बतोहरो अपरम पार। हे माई हे बाधिनी माई बझिनी आके पूत देलू हे दुर्गा मैया अरे लीला बतोहरो अपरम पार। हे माई हो लाल माई के आखिरी लाइन ये गीत के बा तोहरा बतावला से लिखी गाई गीतिया महिमा बा तोहरो महान। बोल दी दुर्गा महारानी की तोहरा बतावला से लिखी गाई गीतिया
महिमा बा तोहरो महान है। माई हो व्यास, माई हो व्यास, वीरेंद्र जी के खेवत रहिया नैया, कबहू न डूबे मझधार। माई हो लाल, माई हो लाल, चुनर बीच निखरल चेहरा, चमके लुसुकावा। बोल दी दुर्गा महारानी की।